A very sweet and lovely good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. ठीक है? In yesterday's class we finished our nitrogen part. ठीक है? Now come to the phosphorus part. And in that today we are going to discuss allotropes of phosphorus. ठीक है? हल्का introduction chapter के starting में discuss कर चुके हैं allotropes के बारे में कि allotropes phosphorus कौन-कौन से allotropes show करेगा. ठीक है? बेसिकली यहाँ पे हम बात करें एलोट्रोप्स क्या था. एलोट्रोप्स क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स मींस फास्फोरस का प्रेजेंट होना इन डिफरेंट फॉर्म्स वही क्या है एलोट्रोपी है. अब उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं एलोट्रोप्स बोलते हैं. तो हम देखते हैं कि फास्फोरस किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस इज वाइट फास्फोरस. वाइट फास्फोरस. नेक्स्ट वन इज रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस. ठीक है, हम व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस को एक साथ स्टडी करेंगे कंपैरिजन में ताकि आपको याद करने में भी थोड़ी आसानी हो और समझ में भी आए. और ब्लैक फास्फोरस को हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस. ठीक है, सो अभी तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इनकी स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो जो एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की वो कौन सी है. व्हाइट फास्फोरस क्या होता है P4. ठीक है, रेड फास्फोरस भी क्या है P4 है, बाद में देखेंगे. सबसे पहले ये जो P4 यूनिट्स है ये अरेंज कैसे है व्हाइट फास्फोरस में वो देखेंगे. देखो चार फास्फोरस यूनिट है. ठीक है, ये आपस में क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, और हर एक के पास क्या है एक एक लोन पेयर भी है. क्योंकि देखो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5. एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया सेकंड ईयर थर्ड ईयर और दो इसके ईयर. ठीक है, लोन पेयर के होंगे. तो देखो व्हाइट फास्फोरस में ईच फास्फोरस कनेक्टेड है किसके साथ 3 फास्फोरस. ठीक है, अब अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3. ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहां पे, तो जरा सोच के बताओ कि sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है. बॉन्ड एंगल कितना होता है आपको पता है 109.5 डिग्री होता है. बट जब हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड एंगल ये जो एंगल है ये कितना आता है 60 डिग्री. ठीक है, मींस व्हाइट फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाने के लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए इतना, लेकिन रिपल्शन या अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एंगल कितना आ जाता है 60 डिग्री. तो आपको पता है एंगल जो है 109.5 डिग्री से कितना डिक्रीज कर गया 60 डिग्री. मीन्स पहले ज्यादा एंगल था, अब क्या हो गया कम. अब आपको पता है जब बॉन्ड एंगल क्या होता है कम होता है तो वहां पे क्या आता है एंगुलर स्ट्रेन. एंगुलर स्ट्रेन तनाव रिंग. ये जो क्लोज रिंग बन रही है आपकी रिंग है. स्ट्रेन का मतलब तनाव कितना खींचा हुआ होगा. अगर कोई चीज ऐसे स्ट्रेन फॉर्म में नहीं रह सकती. सपोज करो आप अगर ये फ्लेक्सिबल होती. ठीक है, और मैं इसको जबरदस्ती इसके दोनों एंड्स को मिलाने की कोशिश करेगी ओपन अप होने की कोशिश करेगी. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेन महसूस कर रही है. तो सेम यहीं पे ये क्या है एंगुलर स्ट्रेन है और इसी एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है. मोर रिएक्टिव. ठीक है, वहीं पे अगर ब्लैक फास्फोरस की बात करें ना सॉरी राइट फास्फोरस ब्लैक फॉर्म लास्ट इन दोनों के बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर हम ब्लैक फास्फोरस सॉरी राइट फास्फोरस की बात करें तो राइट फास्फोरस में जो अरेंजमेंट है वो चेक करो. देखो इसमें भी वही P4 यूनिट है सेम, लेकिन देखो ये आपका फास्फोरस है सेम वही हर एक के पास क्या है एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा. एक और यूनिट है. ठीक है, फास्फोरस फास्फोरस. ठीक है, हरे फास्फोरस 3 से कनेक्टेड होना है लेकिन यहाँ पे इंटरनली कनेक्ट होते हैं. दो यूनिट आपस में क्या होती है कनेक्टेड. ये इधर से कनेक्ट चलेगी और ये इधर से. जो इंटरनली कनेक्ट की एक रिंग वो क्या होगी
किया है, ये एंड रिपीट होता रहे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक। तो देखो यहां से जब मोड 5 खत्म हो गया तो इस पॉलीमेरिक के स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, लेस, यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि ये जो चेन थी, जो बॉन्डिंग थी, थोड़ी डिक्रीज हो गई, ये आपस में कनेक्ट हो गया। एंगुलर, लेस एंगुलर स्ट्रेन। तो एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस दिस इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। काफी बार क्वेश्चन आता था व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। तो रीजन इज दैट कि इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें एसिडिक हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री एंगल होना चाहिए, बट होता कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या फील करता है, ये एंगुलर स्ट्रेन, और इसी एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये क्या है, मोर रिएक्टिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो फर्स्ट नोट डाउन दिस। So students, now we move on the preparation part of white phosphorus and red phosphorus. So white phosphorus के लिए क्या लोगे, P2, P4O10 को कार्बन या कोक की प्रेजेंस में 773 केल्विन टेम्परेचर पे जब आप हीट करोगे तो P4 बनेगा, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। वही आप रेड फॉस्फोरस की प्रिपरेशन व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करके कितने टेम्परेचर पे 573 और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, रेड फॉस्फोरस में। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन पार्ट था। अब हम इसके डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये क्या होता है आपका, बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के साथ साथ वेरी सॉफ्ट, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट, वैक्सीज हो गए। ठीक है, वैक्सीज टच या सोपी टच बोल सकते हो, वैक्सी सॉफ्ट। ठीक है, अब सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको पता है ये किससे कट हो जाएगा, इजीली कट विद नाइफ, इजीली कट विद नाइफ। ठीक है, तो ये क्या था आपकी प्रॉपर्टी थी व्हाइट फॉस्फोरस की। वहीं पर इसके अपोजिट आपका रेड फॉस्फोरस क्या होता है, हार्ड। भाई ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, हार्ड होगा, हार्ड होगी क्रिस्टलाइन स्टेट में, एक अमर फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन। तो ये क्या आपका क्रिस्टलाइन, ठीक है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन है। ये क्या है आपका, सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट, वैक्सी सॉलिड है। ठीक है, अगर इसके ऑर्डर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो व्हाइट फॉस्फोरस का क्या होता है, गार्लिक ऑर्डर, गार्लिक ऑर्डर। ठीक है, वहीं पर हमारा रेड फॉस्फोरस क्या होता है, ऑर्डरलेस। ये क्या है आपका, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती। आपको उसमें ये आपकी रोटल फिश स्मेल भी लिखे, गार्लिक ऑर्डर भी लिखे, गार्लिक मतलब लहसुन टाइप की स्मेल। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस इन नेचर, और ये क्या होता है आपका, नॉन पॉइजनस। ठीक है, सो व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर एंड रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस। पॉइजनस ये क्या करता है, ये बोन डीके करता है, इससे डिजीज होती है कोसी जा, कोसी जा क्या है, डिजीज है। इस डिजीज में क्या होती है, आपकी जा बोन डीके करती है, जा बोन्स डीके। ठीक है, जो पर्सन व्हाइट फॉस्फोरस के साथ काम करते हैं तो उन पर्सन को क्या हो जाती है, आपकी फोसिस और डिजीज हो जाती है, जहां पे जा बोन आपकी डीके करती है। ठीक है, और आपका रेड फॉस्फोरस क्या है, नॉन पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की देखिए हम कि ये व्हाइट फॉस्फोरस किसमें सोलिबल है और रेड फॉस्फोरस किसमें है। तो सोलिबिलिटी के मामले में आपका व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये क्या होता है, इनसोलिबल, इनसोलिबल इन H2 एंड सोलिबल इन
soluble in organic solvent. Organic solvent. अगर organic solvent का example देख लाइक CS2, ठीक है, तो जरा सोच के बताओ red phosphorus किसमें soluble होगा? ये किसी में भी सोलिबल नहीं होगा, ना ये वोटर में सोलिबल है और ना ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलिबल है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोनों की सोलिबिलिटी की। नेक्स्ट देखें इनकी स्टेबिलिटी की, कि कौन कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो आपके जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये आपका स्टेबल रह सकता है कितने टेम्परेचर तक, स्टेबल अप टू 1070 डिग्री टेम्परेचर पे, सॉरी केल्विन टेम्परेचर पे। इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर इसको मिल गया तो जो P4 है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा P2 में, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 1070 है, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर तक ये फॉस्फोरस स्टेबल रह सकता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात करिए तो इतने टेम्परेचर तक ही था और हमने क्या कर दिया, रिएक्टिव था इसलिए लेस स्टेबल था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो आप देख सकते हो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, कि दोनों फॉस्फोरस हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखो क्लोरीन किसी और के साथ रिएक्ट कमी शो कर रिएक्शन शो करता है, ठीक है। अभी क्लोरीन के साथ है तो देखो P4 है, आप क्लोरीन दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, PCl3 में कन्वर्ट होगा Cl2, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्लोरीन दूं तो ये क्या बना सकता है, ये PCl5 भी बना सकता है ना। क्वेश्चन अराइज कब PCl3 बनेगा, कब PCl5 बनेगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या आपके व्हाइट फॉस्फोरस है, अगर आपने क्लोरीन किसमें अमाउंट सप्लाई की है, लिमिटेड, अगर लिमिटेड सप्लाई की है तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, PCl3 की, और आपने एक्सेस में सप्लाई की है तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, PCl5 की। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। और अगर आप हैलोजन्स के साथ इसको इंगेज करते थे किसकी फॉर्मेशन करेगा व्हाइट फॉस्फोरस, क्लोरीन के साथ बना के PCl3, ठीक है। ये हैलोजन्स के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये ज्यादातर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट नोट डाउन, नाउ नेक्स्ट टू द प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद अल्कली। फॉस्फोरस अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो फॉस्फोरस जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आप सभी को पता है, अगर एक एलिमेंट का एक ही रिएक्शन उसी का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जरा यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो, हाइड्रोजन पे +1 तो फॉस्फीन पे कितना आएगा -3, और ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, NaH2PO2 का नेम क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। अब देखो सोडियम पे +1, हाइड्रोजन एक पे कितना होता है +1 और ऑक्सीजन पे कितना होगा -2। तो देखो +1 टोटल कितना हो गया +3 और इधर कितना हो गया -4, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, या देखो कैलकुलेट करो, ए कितना हो गया 1 प्लस टोटल कितना हो गया 2, फॉस्फोरस हमने x माना टोटल इधर कितना हो गया -4 = 0, कितना बचेगा x-1 = 0, x कितना है आपका 1, तो यहाँ फॉस्फोरस कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आके +1 में, तो देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से वो किसमें कन्वर्ट हुआ है +3 में, डिक्रीज किए ये क्या हुआ है रिडक्शन, और ये क्या हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, सिंपली ऐसे भी लिख के दे देंगे P4+NaOH बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाइट फॉस्फोरस अल्कली के साथ रिएक्ट करके डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जाता है, फॉस्फीन PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन करेगा,
और ये अल्कली के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नोट डाउन. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सल्फर. देखो व्हाइट फॉस्फोरस को सल्फर के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा. और ये जो P4 है व्हाइट, ये बहुत सारे सल्फाइड्स बनाता है लाइक P2S2, P2S5, P2S3 आदि चलता है. लेकिन जो सबसे मोस्ट स्टेबल आपका सल्फाइड है वो कौन सा है आपका, P4S3. दिस इज मोस्ट स्टेबल. अब ये वाला जो सल्फाइड है ये कहां पे यूज किया जाता है, मैटस्टिक्स में यूज किया जाता है. मैटस्टिक जो आपने देखा होगा मैटस्टिक के आगे, ये आपकी मैटस्टिक होती है. और जो आगे मसाला जो आप बोलते हैं ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, उसके अंदर क्या होता है आपका सल्फाइड, फॉस्फोरस सल्फाइड. इसमें फॉस्फोरस सल्फाइड P4S3 के साथ साथ KCLO3 प्रेजेंट होता है, KCLO3 और कुछ फिलर्स होते हैं और ग्लू. इन सबको मिक्स करके आपके स्टिक पे लगाया जाता है, ये एक्सपोजर होता है, थोड़ी हीट प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी मैटस्टिक बर्न हो जाती है. ठीक है, तो काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है मैटस्टिक्स के आगे जो लगता है उसमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है, आप फॉस्फोरस बोल सकते हैं, उसका नाम सल्फाइड फॉर्म में यूज होता है P4S3. तो आपको इसका यूज पता होना चाहिए, नोट डाउन. नाउ कम टू द ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. देखो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, व्हाइट फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, सॉरी व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस. तो जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ये उन्हीं से प्रिपेयर किए. अगर आप रेड फॉस्फोरस को हीट करो एक सील्ड ट्यूब में, सील्ड मतलब क्लोज ट्यूब, तो आपके किसकी फॉर्मेशन होगी, टेम्परेचर कितना है 803 केल्विन, तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लैक फॉस्फोरस. वहीं पर अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करो, ठीक है, ये लगभग 435 के अराउंड है टेम्परेचर, 400 के आसपास, 450 के आसपास. तो इस, लेकिन इसमें प्रेशर क्या बहुत ज्यादा है, 4000 से 12000 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे तो आपके किसकी फॉर्मेशन होगी, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, ये आपका सबलाइन हो सकता है एयर के अंदर डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय स्टेट में, मोनो के लिए जिसके क्रिस्टल्स होते हैं और ये सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस मानी जाती है. भाई अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर वो लगभग ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा था ना, ग्रेफाइट सिमिलर उसके जैसा है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर. कैसे, ग्रेफाइट में क्या थी, हेक्सागोनल रिंग थी और हर एक उसके ऊपर क्या थी, कार्बन. लेकिन वहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है. हर एक पॉइंट में क्या आपके फॉस्फोरस प्रेजेंट, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. हर जगह फॉस्फोरस है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So this is all about the properties and preparation of white phosphorus and black phosphorus. अगर हम यहाँ पे overall summary देखें कि तीनों forms में कौन stable था और कौन नहीं था, यहाँ पे एक objective question या one mark question बन जाता है, क्या आपके पास तीन phosphorus थे. ठीक है, phosphorus के तीन allotropic form थी, एक white phosphorus, एक red phosphorus और एक black phosphorus. तो ये जो red white phosphorus था ये क्या था, बहुत ही ज्यादा reactive था, रिएक्टिव. ठीक है, और ये क्या था, मोर रिएक्टिव, और ये क्या था, लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्ट करता है. तो लेस रिएक्टिव मतलब क्या होगा, स्टेबल, और ये क्या होगा, अनस्टेबल. इसीलिए नीचे एयर के साथ भी क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा व्हाइट फॉस्फोरस. ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, अंडर वॉटर स्टोर करके रखते हैं, इट स्टोर अंडर वॉटर. काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, बाय व्हाइट फॉस्फोरस स्टोर अंडर वॉटर.
आपको पता है बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन. तो यहां से क्वेश्चन आता है, नो डाउट. तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज रह गई, अंडर वॉटर इसको हम स्टोर करते हैं ताकि एयर के साथ ही कॉन्टेक्ट में ना आए. इट मीन्स अगर ये जो पी फोर था व्हाइट फॉस्फोरस था, तो पी फोर व्हाइट फॉस्फोरस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो इसकी फॉर्मेशन करता है पी फोर ओ टेन. ग्रे क्या होती है? व्हाइट डेंस फ्यूम्स होती है, ठीक है. इसलिए इसको किसमें स्टोर करते हैं? अंडर वॉटर स्टोर करते हैं. तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है व्हाइट फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ, आपको पता होना चाहिए. स्टूडेंट्स अभी हमने कंप्लीट किया था क्या एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. बहुत इजी टॉपिक है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उनको आप जैसे मैंने समझाया डिवाइड करके इधर सेपरेशन बना के बार एक बार उसको लिखिए. अब फिर एक बार आईज बंद करके रिवाइज कीजिए, वीडियो को ये रोक के एक बार उनको रिवाइज करिए, आपको तभी याद हो जाएगा, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, अगला कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस का कंपाउंड PH3 फॉस्फीन, ठीक है. इसके भी प्रिपरेशन जो है बेटा ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक नहीं है क्या क्या कुछ है. तो ये जस्ट मैंने लिख भी दिए हैं कि हम किससे बना सकते हैं, मेटल फॉस्फाइड से बना सकते हैं. वॉटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फॉस्फीन गैस. और वहीं पर अगर मैं इसे देखेंगे तो कैल्शियम है क्लोराइड क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन क्या होगी फॉस्फीन गैस रिलीज होगी. नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ ली जाती है. फॉस्फोरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा H3PO4 और फॉस्फीन, ठीक है. बट जो इसकी लैबोरेटरी वाली प्रिपरेशन है, ठीक है, लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देख चुके हैं, वो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको लैब में उसी से बनाते हैं. कैसे क्या हमने व्हाइट फॉस्फोरस को पढ़ा था एल्केली के साथ रिएक्शन, ठीक है, जो किसने भी थी डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन में क्या बनाया था PH3 जो गैसियस फॉर्म के साथ में क्या निकला था NaNaH2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. फॉर्मूला क्या था NaH2 P4, ठीक है, सॉरी NaH2PO2 करेक्ट कर देना PO2. ये क्या सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, लैब में प्रिपेयर किया जाए. देखो अब ये जो PH3 है ये जनरली क्या इनफ्लेमेबल है, इट इज नॉट इनफ्लेमेबल, नॉट इनफ्लेमेबल, बट ये क्या करती है इसके साथ कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है. कौन सी? P2OH4. P2H4 इसके साथ क्या है? इंप्योरिटीज. तो इस इंप्योरिटीज के कारण ये क्या बन जाती है? इनफ्लेमेबल. पहले इनफ्लेमेबल नहीं थी, फिर क्या हो जाती है? इनफ्लेमेबल, ठीक है, नो डाउट. बेटा फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है वो क्या है? कलरलेस. कलरलेस होता है और इसकी कैसी होती है? रोटन फिश स्मेल होती है, रोटन फिश स्मेल, ठीक है. और ये पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, ठीक है. और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है? हाईली सोल्युबल इन वॉटर, हाईली सोल्युबल इन वॉटर, ठीक है. अब देखो ये थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे NH3 बेस है वैसे PH3 भी क्या है? बेस है. तो देखो PH3 अगर हम किसी H6 के साथ रिएक्शन शो करें तो जरा सोच के बताओ PH3 NH3 होता तो क्या बनाता? अगर NH3 होता तो H6 के साथ क्या बनाता? NH4 X पॉजिटिव. तो ऐसे ये वाला भी क्या बनाएगा? PH4 पॉजिटिव और X नेगेटिव. सेम जैसे नाइट्रोजन रिएक्शन शो करता है हैलाइड के लिए, HX के साथ वैसे रिएक्शन कौन शो करेगा आपका? फॉस्फोरस. इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन एक्सप्लेन करती है बेसिक नेचर ऑफ फॉस्फीन,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन देखें किसके साथ, CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम फॉस्फीन की रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा और इसके साथ एक कंपाउंड और बनेगा जो क्या होगा, कॉपर किसका होगा, कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज पहले आप नोट डाउन करो फिर हम आगे घूम सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका क्या, कि बोन एंगल जो pH 3 में है वो क्या है, ग्रेटर है, और pH 3 में क्या है, लेस है। मैं इसकी वैल्यू भी बता देती हूँ, बोन एंगल 109.5 डिग्री होता है और इसमें कितना है 93.6 डिग्री, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, इनके स्ट्रक्चर से। अगर हम pH 3 का स्ट्रक्चर देखें, pH 3 का आपको पता है 3 बोन pH 3 और एक लोन पे 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो ये फॉस्फोर के 1, 2, 3 और ये क्या बन गया आपका लोन पे। वही अब pH 4 जैसे NH4 पॉजिटिव का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, pH 4 का भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 4 हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से देखो यहाँ पे क्या, कोई सारे क्या बॉन्ड पेयर है, कोई रिपल्शन नहीं है, sp3 है, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, 93.6 डिग्री पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर की वजह से, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से ऐसा होता है, जिससे रिपल्शन आता है, बॉन्ड एंगल ये जैसे रिपेयर करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से रिपल्शन यहाँ से रिपल्शन कंप्रेस करें तो 109 से कितना हो जाएगा, 93.6 डिग्री। नोट डाउन स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फॉस्फोरस हैलाइड। वैसे ये पार्ट हम पहले कर चुके हैं, इस चैप्टर में काफी चीजें वहां डिस्कस हो गई थी, जो बच रही है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के हैलाइड्स हम देख चुके हैं, नाइट्रोजन का सिर्फ एक ट्राई हैलाइड स्टेबल है NF3, बाकी तो वो भी स्टेबल नहीं है, और नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड तो बनाते ही नहीं। वहीं पर अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो ट्राई हैलाइड क्या होगा, PX3 और PX5। एक्स आपके क्या है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं, अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस में मैंने आपके रिएक्शन कराई, सपोज करो क्लोरीन ले लो Cl2, तो हमारा जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस में तो PCl3 भी बनता है, PCl5 भी, लेकिन ये क्या होगा, लिमिटेड होगा, लेस होगा, तो आपका क्या बनेगा, PCl3। आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये 6 और ये 4। ठीक है, और अगर यहीं पर आप फॉस्फोरस एक्सेस में ले लो, ठीक है, Cl को एक्सेस में ले लो तो क्या बनेगा आपका, PCl5। 24। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 क्लोरीन है, यहाँ पे 10 क्लोरीन है, ऑब्वियसली बात है ये क्या है, एक्सेस है, और यहाँ पे इसके कंपेरिजन में क्या है, लेस है। तो जब आप PCl3 डालो, PCl बनाना होता है, कम लो और ये क्या लो, ज्यादा लो। एक और प्रिपरेशन मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ कराओ, SOCl2। ठीक है, देखो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, देखो SOCl2 में एक बार सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखो कितनी है, ये -1 होती है क्लोरीन पे और ऑक्सीजन पे -2, तो -2 और -2 -4 होगी तो सल्फर पे कितनी होगी, +4। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, 6, और यहाँ पे क्या है, 4, तो ये मिनिमम है। ठीक है, ऐसे देखो फॉस्फोरस की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या तो +3 है या क्या है वो +5। तो अगर सल्फर मिनिमम में है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का एक कंपाउंड बनाएगा, इसीलिए क्या बनेगा, PCl3। यहाँ पे फॉस्फोरस का कितना था, ठीक है, वहीं पे अगर आप इसको, आप देखो मैंने सल्फ इसी का लिया, लेकिन कंपाउंड क्या लिया, SO2Cl2,
जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, कितनी आएगी +6। नाप जिसके साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका फॉस्फोरस भी कहां जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है +5। और जब ये +5 होगा तो ये क्या बनाएगा, पेंटा हैलाइड BCl5। आई होप आपको रिएक्शन याद हो गई होगी, एग्जाम में ऐसे आ गया, आपको नहीं पता कि आपको ट्राई हैलाइड बनाना है पेंटा है, आपने आपको देखा P4 SOCl को भी रिएक्शन बताओ क्या बनेगा। तो SOCl के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी क्या बनेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। पर यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो फॉस्फोरस में क्या बनेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स से हम रिएक्शन अगले नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन में वोटर अगर आप हैलाइड्स की रिएक्शन कराते हैं, सपोज तो PCl3 आप H2 के साथ रिएक्शन करा तो ये क्या बनाएगा, H3PO3, और यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, HCl। ठीक है, और अगर यहीं पे पेंटाहेलाइड की रिएक्शन कराते हो PCl5 और H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, यहाँ पे क्या बनेगा आपका POCl3 और HCl। ठीक है, ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, इसके बेस पर एक क्वेश्चन भी है कि जब भी आप PCl3 को मॉइस्चर मतलब वाटर के पास लेके जाते तो डेंस फ्यूम आती है। आप देखना लैब में कभी HCl की बोतल खोल के देखना, HCl को हटाओगे तो HCl के फ्यूम्स निकलती है व्हाइट कलर की। तो जब आप PCl3 रिएक्ट करा रहे H2O के साथ तो ये क्या बनाता है, HCl बनाता है, जिसकी क्या निकलती है, फ्यूम्स निकलती है, वो HCl की होती है। काफी बार ये पूछते हैं कि फ्यूम्स किसकी है या किस कलर की। ठीक है, तो यहाँ इस वाले रिएक्शन से ये क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। देखो आपको पता है इसका एग्जांपल में PCl3 अभी तक यही स्टडी कर, PCl3 होगा तो ये लोन पेयर होगा, 3 क्लोरीन के साथ क्या होंगे आपके, लोन पेयर होंगे। तो सेम भैया की हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 में है तो रिपल्शन आएगा, बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही इसकी शेप की बात करें, ये पिरामिड शेप का होता है, ये पहले हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट आप एक रिकैप समझ लो इस चीज का। PCl5 की बात करें तो क्या होगा भाई, 3 क्लोरीन, 5 चीजें है जो अटैच है फॉस्फोरस के साथ। तो 5 चीजें जब स्पेस में अरेंज होती है तो कौन सी शेप लेके, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल PVP। और ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये 3 क्या है आपके इक्विटोरियल बॉन्ड है, और ये जो दोनों है ये क्या है आपके एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, दिया हुआ है कि बाय एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड इन PCl5। क्लास 11th में ये क्वेश्चन आपने करा है बहुत बार। तो सेम वही एक्सियल बॉन्ड कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे, इक्विटोरियल 120 के, लेस एंगल है तो इट फील्स मोर रिपल्शन, रिपल्शन फील करेगा तो बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर गया तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड। अब एक क्वेश्चन आता है, जो पेंटा हैलाइड है ये अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो कैसे प्रेजेंट होगा, ये सॉलिड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है आपके, आयनिक फॉर्म में। ठीक है, आयनिक फॉर्म, अब आयनिक फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट होगा आपका, देखो PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 क्या है, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द आयनिक फॉर्म ऑफ पेंटा हैलाइड। ठीक है, तो सो आपके फॉस्फोरस में अभी एक लास्ट टॉपिक बचता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए कवरअप करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो जितने अभी तक अभी चैप्टर कर चुके हो उतना आपको स्टडी करना है, काफी चीजें तो आपको लर्न हो गई होगी। दिक्कत कहाँ आती है सिर्फ रिएक्शन पार्ट में कि मैं मेरी रिएक्शन इतनी याद कैसे करें, बेटा उन सबका एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। ठीक है, जितना हो सके आपको वो रिएक्शन लिखनी है, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है उन चीजों की, और कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो तो आपको लर्न हो गई होगी, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह, नेचर क्या है, कैसे रिएक्शन करेगा,
अल्फा बीटा जो आज तो डिस्कस किया एलोट्रॉपिक फॉर्म वो तो बहुत इजी थी उनको तो आज आई होप काफी बच्चों को तो लेक्चर के साथ साथ ही लर्न हो गया होगा ठीक है। सो ये सब नोट डाउन करो, मिलते हैं कल की क्लास में एक अपने लास्ट टॉपिक के साथ कौन सा ऑक्सी एसिड्स और फॉस्फोरस। कल ही हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट ग्रुप दैट इज 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। थैंक यू।